नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव मंचना में ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी देखने को मिली है। गांव से एनपी वापस आ रहे युवक के साथ प्रधान व उसके गुर्गों ने जमकर मारपीट की और मरा समझकर मौके से फरार हो गए। युवक की बहन का आरोप है, पहले तो प्रधान व उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर उसके भाई की जान लेने की कोशिश की। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव मंचना में ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली, जहां उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की और उसे मरा समझकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला एक छेड़छाड़ को लेकर हुआ है, जहां युवक अपनी बहन के साथ गांव से मैनपुरी जा रहा था, तभी प्रधान व उसके गुर्गों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। भाई द्वारा विरोध किए जाने पर प्रधान के गुर्गों ने उसे पकड़कर घर के अंदर खींच कर ले गए और उसे जमकर मारपीट की। उसे मरा समझकर जब वो वहां से फरार हो गए, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? नाम दीपक मिश्रा। कहाँ के रहने वाले आप? मंचना। क्या हुआ आपके साथ? ग्राम प्रधान राम रतन दिवाकर और उनके परिवार वालों ने हमें मारा। हम अपनी दीदी को लेकर गांव जा रहे थे, हमारी बुआ बीमार रहती हैं उनके पास, उसका सनी नाम का उनका भतीजा, उसने रास्ता रोका, दीदी से बदतमीजी करने लगा, बचाओ चूहिंग उन्होंने सरिया और चाकू से हमला करने लगे। दीदी को भागकर घर पे गई और हमें मारते मारते दोनों टांगें तोड़ दी हैं और चाकू से ये हमला, तब तक लोग आ गए, उन्होंने बचाया है। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग काफ़ी लोग थे, राम रतन दिवाकर, उनका दोनों लड़के आशीष विवेक कुमार और उनके भाई पवन कुमार और संतराम, उनके लड़के दोनों सनी और अनमोल। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस हमारा बयान ले गई है, तभी पुलिस मौके पर पहुंची थी। हाँ, मौके पर पुलिस पहुंच गई। क्या नाम है आपका? चेतना। ये आपके भाई के साथ जो मारपीट की गई है, किसने की है? ये राम रतन और राम रतन की लड़के वगैरह है। और क्या बात हुई थी? ये हमें छेड़ रहे थे और हमारे भाई को इन्होंने चाकू और सरिया से वार कर दिया, जब तुम घर पे गए बताने। कहाँ से आ रहे थे आप? हम गांव से आ रहे थे। कितने लोग थे ये? मतलब उन्हीं के सारे परिवार वाले और उनके भाई वगैरह। पुलिस पहुंची थी बाद में? हाँ, पुलिस बाद में गई थी। क्या नाम है आपका? रामोल मिश्रा। इस युवक के साथ जो मारपीट की गई है, क्या पूरा मामला है? मामला ये, मेरे भतीजी घर जा रही थी तो भतीजे को छोड़ा छाड़ी की और भतीजे खींच लिया और इसे डंडा आठी तो सरिये से मारा और चाकू बाज हाथ में मार दिया। और भाई ये तो पुराने नहीं। किन लोगों ने इस मारपीट की है? किन लोगों ने मारपीट की? रामतन, संतराम, विवेक, पवन। कहाँ के ये लोग? मंचना के। रामतन के पूरे खानदान परिवार के ही है। कितने लोग थे करीब? ये हैं सात जने करीब, सात जने हैं परिवार के, सात जने हैं। वो इन्हीं के साथ नहीं, और लोगों को भी साथ भी उदमबाजी करते हैं। अगर किसी को मारे तो रिपोर्ट भी नहीं लिखने देते। पुलिस मौके पहुंची थी बाद में? हाँ, पुलिस मौके पहुंची। क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस इसके बाद तमंचा लगा दिया तो ऐसे ने ये भी कहा, तमंचा अगर ये चलाता तो तुम्हें मार देता, तमंचा झूठा केस लगाया। एक मरीज जो 7:30 के करीब भर्ती किया गया है, जिसका नाम दीपक मिश्रा है, पिता का नाम मायाराम मिश्रा है और उसके हाथ पैर में चोटें हैं, जिसका एक्सरे लिख दिया गया है और थोड़ी गंभीर चोटें लेकिन हालात स्थिर है।